नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है छठी जमात की उर्दू की मुआविन दर्शी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल लोक कहानियां। इस प्रोग्राम में पेश खिदमत है एक लोक कहानी तीन सवाल। मगध के करीब एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका शौहर मर चुका था। उसके एक लड़का था। वो अपने लड़के को पढ़ाना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसलिए उसने अपने लड़के को एक मदरसे में दाखिल कर दिया। लड़का बहुत मेहनती था। वो जल्द ही खूब पढ़ने लगा। उसका दिल मदरसे में खूब लगता और वो अपना सारा वक्त पढ़ने लिखने में गुजारता। एक रात लड़के ने ख्वाब देखा कि उसकी शादी मगध की राजकुमारी के साथ हो गई है। आंख खुली तो वो बड़ा खुश हुआ। उसे बहुत हंसी आई। लेकिन फौरन ही उसे ख्याल हुआ कि ये कैसे हो सकता है? कहां वो और कहां मगध की राजकुमारी? ये सोचकर उसे बहुत रोना आया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी मां ने जब ये हालत देखी तो उसने कहा, बेटा क्या बात है, कैसी तबीयत है? अभी तो तू हंस रहा था और अब रो रहा है। लड़के ने कोई जवाब ना दिया। वो चुपचाप मदरसे चला गया। मदरसे में भी उसका दिल ना लगा। पढ़ते पढ़ते जब उसे अपने ख्वाब का ख्याल आया तो वो पहले हंसा और फिर रोने लगा। उसके गुरु ने रोने और हंसने की वजह पूछी, लेकिन वो कुछ ना बोला। इस बात पर गुरु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे सजा दी। वो जब घर लौटा तो उसकी मां ने उसकी बुरी हालत देखी। वो फौरन रोती पीटती राजा के पास गई। दुहाई है, दुहाई है। राजा ने गुरु को बुलाया और सजा देने की वजह पूछी। गुरु ने कहा, हुजूर जब मैं सब लड़कों को पढ़ा रहा था उस वक्त ये पहले तो हंसा और फिर रोने लगा। मैंने इससे इसके हंसने और रोने की वजह पूछी तो इसने कोई जवाब ना दिया। इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे सजा दी। राजा ने लड़के से उसके रोने और हंसने की वजह पूछी। लड़के ने राजा को भी कोई जवाब ना दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे जेल में बंद करने का हुक्म दे दिया। लड़की की मां राजा के सामने बहुत रोई, मगर राजा ने उसको बाहर निकलवा दिया। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन बाजार में कुछ ऐलान हो रहा था। गुड आफ्टरनून।
लड़का भी जेल की कोठरी से खिड़की के करीब आ खड़ा हुआ। उसने सुना, सुनो सुनो सुनो, राजा के पास तीन लकड़ियां हैं, जो कोई उसे ये बता दे कि उनमें से कौन सी लकड़ी सिरे की है, कौन सी बीच की और कौन सी नीचे की, तो राजा उसे 1000 अशर्फियां देगा। लड़के ने जब ये सुना तो बहुत जोर से हंसा। उधर से एक बुढ़िया गुजर रही थी। उसने पूछा, आए बेटा, तू क्यों हंस रहा है? लड़के ने कहा, अम्मा, ये ऐलान सुन रही हो? ये कोई मुश्किल बात है? ये तो मैं ही बता सकता हूँ। अच्छा। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने कहा, बेटा, तू मुझे बता दे, मैं तुझे दुआ दूंगी। लड़के ने कहा, अच्छा अम्मा, तुम जाकर पानी के हौज में बारी बारी इन तीनों लकड़ियों को डालना। ठीक है। जो लकड़ी एकदम से पानी में बैठने लगे वो सिरे की होगी। अच्छा। जो थोड़ी तैर कर फिर नीचे की तरफ जाए वो बीच की होगी। ओह। और जो तैरती रहे वो सबसे नीचे की होगी। खुश रहे, मेरा काम बन गया। बुढ़िया खुश खुश चली गई। अगले दिन दरबार हुआ। राजा ने एक फूल रख दिया और कहा कि जो इस सवाल का जवाब देना चाहे वो फूल उठा ले। बुढ़िया फौरन आगे बढ़ी और उसने उसके सवाल का जवाब दे दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसे 1000 अशर्फियां दे दी। बहुत खूब। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन फिर शोर सुनाई दिया तो लड़का खिड़की के करीब आया। उसने देखा कि बुढ़िया आज भी उसकी खिड़की के पास खड़ी है। लड़के ने पूछा, अम्मा, क्या बात है? क्या आज फिर राजा ने कोई ऐलान कराया है? बुढ़िया उसे दुआएं देने लगी और बोली, खुश रहे बेटा। हाँ बेटा, मगध के राजा ने हमारे राजा के पास 3 गाय भेजी हैं। अच्छा। और 1 खत भेजा है। अब राजा ने ऐलान कराया है कि जो कोई ये बता दे कि इनमें माँ कौन सी है, बेटी कौन सी है, और बेटी की बेटी कौन सी है, उसे 2000 अशर्फियां दी जाएंगी। अरे ये क्या मुश्किल है? लड़का बोला, खुश रहे बेटा, जीता रहे। बेटा मुझे बता दे, देख मैं बड़ी गरीब हूँ, अरे तुझे दुआएं दूंगी और आधा इनाम तुझे दे जाऊंगी। लड़के ने कहा, अच्छा तुम ऐसा करना कि एक जगह हरी घास इकट्ठा करके उसके चारों तरफ बांस का घेरा बना देना। अच्छा। घेरा इतना ऊंचा हो कि गाय आसानी से कूद ना सके। ठीक है। 3 दिन तक तुम इन गायों को भूखा रखना। हाँ। और फिर उन्हें छोड़ देना। अच्छा। जो गाय सबसे पहले
घेरे को फांदकर घास खाने के लिए अंदर घुस जाए, हाँ हाँ, उसे बेटी की बेटी समझना। ठीक है। जो उसके बाद जाए वो बेटी। अच्छा। और जो सबसे आखिर में रह जाए वो माँ होगी। अरे खुश रहे बेटा, जीता रहे। बुढ़िया दुआएं देती चली गई। अगले दिन दरबार हुआ और उसी तरह राजा ने फूल रखा। बुढ़िया ने बढ़कर उसे उठा लिया और कहा, हुजूर मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। राजा ने उसे 3 दिन का वक्त दिया। बुढ़िया ने उसी तरह किया जैसे लड़के ने बताया था और 4th दिन राजा को सब बता दिया। राजा बहुत हैरान हुआ। अरे। और उसने वो इनाम उसे दे दिया। बुढ़िया खुश होती हुई उस लड़के की कोठरी से गुजरी और आधा इनाम उसे दे दिया। ले बेटा, ले। शुक्रिया अम्मा, शुक्रिया। कुछ दिन गुजर गए। मगध के राजा ने एक दिन राजा को खत लिखा। सुना है तुम्हारे यहाँ बहुत अकलमंद लोग रहते हैं। मैं अपने कमरे में 4 कागज रख रहा हूँ, उनमें इनाम लिखे हुए हैं। जो उनको इस तरह निकाले कि मुझे पता भी ना चले उसे इनाम दिया जाएगा। इन कागजों को पाने वाले से ही मैं राजकुमारी की शादी करूंगा। अब अगर कोई नौजवान ये हिम्मत करे तो अपनी किस्मत आजमा सकता है। राजा ने इसका भी ऐलान करा दिया। वो चाहता था कि उसके राज की बात नीची ना हो। बुढ़िया ने जब ये ऐलान सुना तो फिर लड़के के पास आई। लड़के ने कहा, अरे ये कौन सी मुश्किल बात है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा। बुढ़िया ने राजा को खबर कर दी और बुढ़िया से राजा को ये भी मालूम हुआ कि उसके दूसरे सवालों का जवाब भी उसी लड़के ने बताया था, तो वो बहुत खुश हुआ। राजा ने लड़के को जेल से बाहर निकलवाया और पूछा, क्या तुम ये काम कर सकते हो? लड़के ने कहा, बेशक, मुझे 2 नौकर और 4 महीने के खाने का खर्च चाहिए। ठीक है। राजा ने उसे 2 नौकर भी दे दिए और 4 महीने के लिए खाने पीने का खर्च भी। लड़के ने उन अशर्फियों से जो बुढ़िया ने दी थी तिजारत का सामान खरीदा और मगध में जा उतरा। उसने एक मकान किराए पर लिया और वहां रहने लगा। 2-4 रोज के बाद उसने महल का चक्कर लगाया। महल पर बड़ा सख्त पहरा था। कुछ देर सोचने के बाद उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने राजमहल के अस्तबल के रखवाले से बात की। हाँ,
और उसे रुपए का लालच दिया। अस्तबल का रखवाला उसे महल में ले जाने के लिए तैयार हो गया। लड़के ने काले कपड़े पहने और चल दिया। अस्तबल के मालिक ने उसे घास के अंदर छुपाकर महल में दाखिल कर दिया। रात के 12 बजे तक वो छुपा रहा और उसके बाद काले कपड़े पहने हुए वो महल में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर में उसे राजा के सोने का कमरा मालूम हो गया। कमरे के बाहर दो दासियां खड़ी थी। लड़के ने बिल्ली की सी बोली आवाज निकाली और जमीन पर बहुत सारे मोती बिखेर दिए। दासियां जैसे ही बिल्ली भगाने दौड़ी, उन्होंने चमकदार मोती देखे तो वो उन्हें चुनने के लिए बैठ गई। लड़का जल्दी से कमरे में दाखिल हो गया। उसने देखा कि राजा बेखबर सो रहा है। उसने कमरे में हर तरफ नजर दौड़ाई मगर कोई ऐसी जगह नजर ना आई जहां कोई कागज होता। उसने पलंग पर नजर डाली तो पलंग के पाए खास किस्म के नजर आए। उसने सोचा, हाँ, हो ना हो कागज इन्हीं में है। लड़के ने फौरन ही एक डिबिया निकाली और उसको राजा के पैरों के पास छोड़ दिया। उस डिबिया में चींटियां थी। जैसे ही राजा पर चींटियां चढ़ी वो घबरा कर उठा और अपने बदन को खुजाने लगा। उसने जब देखा कि जिस्म पर चींटियां ही चींटियां हैं तो जल्दी से बराबर के कमरे में कपड़े बदलने चला गया। ये लड़का जो काले कपड़े पहने भूत बना हुआ खड़ा था जल्दी से निकला और पलंग को उठाकर देखा। वाकई चारों पायों के नीचे कागज रखे थे। जल्दी से कागज उठाकर लड़का कमरे से निकल गया। राजा को पता भी ना चला। सुबह होते होते वो फिर घास के ढेर के अंदर छुप गया और उसी घास के जरिए जब महल से बाहर आ गया तो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। (laughs)
उसने जल्दी से भेष बदला और अपने मुल्क को रवाना हो गया। चंद रोज बाद राजा के पास हाजिर हो गया। राजा ने उन कागजों को देखा तो बहुत खुश हुआ। शाबाश, बहुत खूब, शुक्रिया। और मगध के राजा को खत भेजा। मगध के राजा को जब ये मालूम हुआ कि कोई खामोशी से उसके कागज ले गया तो उसकी चालाकी पर हैरान हुआ और अपनी लड़की की उस नौजवान से शादी कर दी। और अपना आधा राज भी उसे दे दिया। सब मिलजुल कर महल में रहने लगे। इस तरह लड़के का ख्वाब पूरा हुआ। शादी करने के बाद वो अपनी माँ के पास गया और उसे महल में ले आया। उसने अपने गुरु को भी अपने यहां बुला लिया। उस दिन उसने उस ख्वाब को सुनाया जो अब सच हो चुका था। तीन सवाल। अभी आप सुन रहे थे ये लोक कहानी। एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक, फनकार मंजू मैनी, राम मैनी, आजम शाह, प्रवीण शर्मा, शारदा गुप्ता और सादिया खान, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, एडिटर अमिता भट्टी, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, टेक्निकल कंट्रोल A.N. सक्सेना, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी, प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।